हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल द ब्राउन एक्शन। आज की वीडियो बनेंगे शूटर के टीजर पे। जय रंधावा की मूवी आ रही है, लेटेस्ट पंजाबी मूवी, और मूवी रिलीज हो रही है 14 जनवरी 2022 में। और अभी गीत MP3 पे इसको रिलीज किया गया। शूटर सॉरी जय रंधावा जो है, इसको पहले हमने नहीं देखा हुआ, लेकिन देखते हैं अभी। एक आधे गाने में जरूर मैंने देखा है, वो उसका था गोरी का गाना था, उसमें इसने शूट किया था, उसमें इसको इंट्रोडक्शन मतलब किया था इन्होंने, फीचर किया था। नया बिल्कुल इसका फ्रेश था। तो अभी आप जो लाइक कर दोनों चैनल जो सब्सक्राइब कर दे, चलते हैं शूटर के टीजर की तरफ, देखते हैं कैसा है। मैं तो कहना चलिए यार, उन्हें नहीं होना होना दाज है। हाँ वे सुनिया, आज तक टाइम पे कदे इस्ता मारे नहीं होने। आज ही मारूंगा उन्हें, पता कट्ठे हुए फिर दिया जी। आज अड़ गया ना साला, कुत्तियां दी बहु बहु ते शेर दी दहाड़ च फर्क हुंदा है। सुचे भाई गलती होगी, जानते भाई जाना भेज दिने। डर गए हैं? दस डर गए? नहीं भाई, डरना चाहिए सी, बाबा भली करे। मुझे जो लगता है ना कि ये मूवी का ट्रेलर पहले आ चुका है, और कोविड या किसी सिचुएशन की वजह से रिलीज नहीं किया गया। ओके ओके, तो उसको री रिलीज एक तरह का उन्होंने, जैसे वो था चल मेरा पुत का सीन था, उसको री रिलीज किया था बिकॉज ऑफ कोविड, तो उनको मतलब सिनेमाज में नहीं लग सकी थी। तो ये भी वही सीन है कि उनको प्रॉपर दोबारा एक ट्रेलर रिलीज करेंगे। वेट इज टू लॉन्ग आया था ना, तो जरा बहुत ही एक्शन वाली मूवी लग रही है, थोड़ा गैंगस्टर टाइप, तो देखते हैं कैसा। जो मुझे एक तरह का लुक लगी है ना उसकी, वो जरा थोड़ी सी वो लगी है कि एक सिंपल बंदा जो होता है, एक तो था ना हीरो की बड़ी अच्छी, एक सादा बंदा, शरीफ बंदे को गैंगस्टर में आना पड़ गया, पड़ गया कुछ ऐसे ही लग रहा है। और उसमें यह है कि वो जैसे हमने उसमें नहीं किया था वार्निंग में पम्मा था, पम्मा बोलता भी है, पम्मा घुमाता है, वो इसका भी इसी तरह का सीन लग रहा है। क्रैक नमा की होता है, मेंटल जैसे होता है वो, मेंटल ये शरीफ बंदा एकदम से गैंगस्टर टाइप में आ गया। तो आपको कैसा लगा टीजर हमें कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें दोनों चैनल जो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए सी या। अच्छा मुझे नहीं समझ आती, जितने भी गैंगस्टर बंदे होते हैं तो बहुत मोटे होते हैं।